बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी बच्ची आई है। क्या नाम है आपका गुड़िया? युसरा। इनका नाम है युसरा। क्या लेकर आई है, किसके लिए लेकर आई है? याया के लिए लेकर आई है। याया कौन है? इसका भाई है। अच्छा भाई है। देखें छोटी सी बच्ची है और ये इनकी वालदा लेकर आई। बताया ये मैं अपनी बच्ची की जानिब से सलाम सत्कार को दे रही हूँ और बच्ची अपने भाई से मोहब्बत करती है, भाई का नाम ले रही है, उसको देना है। मैं आपको दिखा दूँ, इस वक्त हम मौजूद है नश्तर पार्क में और इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रैंड ऑपरेशन जो राशन का वो आज से पैकिंग शुरू हो गई है और दाल चावल घी तेल आटा ये सब चीजें हजारों लाखों केजी के हिसाब से यहाँ उतर रही है। और सिर्फ यही नहीं, इधर आए देखिए, ये जो प्लास्टिक बैग आप देख रहे हैं जिसके अंदर हम 10 किलो वाला आटा भी डालेंगे, इधर एक बड़ा बैग रखा था कांगे खुला हुआ, इसके अंदर हम आटे का बैग 10 किलो वाला इसलिए डालेंगे ताकि पानी अगर कहीं बारिश का सामना हो जाए या बेचारे जो खुले आसमानों के नीचे, ये बैग इसके अंदर आएगा पूरा और उसके बाद इसको गिठा लग जाएगी। इसी तरह बाकी जितना सामान भी है प्लास्टिक में, तो 850 किलो बड़े वाले बैग और ये 250 किलो छोटे वाले बैग, सिर्फ इसका बिल बना है 4.25 लाख रुपए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटा ऑपरेशन नहीं है, ये जो ऑपरेशन जिसका हम बता रहे हैं कि हम और ये बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब, एडी मलिक साहब, एडी रियल स्टेट का दिल मलिक साहब, हम तीनों मिलके कर रहे हैं। और जो आप लोग देंगे पैसे उससे इसके बाद मलिक रियाज साहब दे रहे हैं 25,000 बोरे, उसके बाद फिर वो आप लोगों की जाने से जो मजीद दिया जाएगा, अभी जो आप लोगों ने पहले हमें दिया है उससे ये ऑपरेशन चल रहा है। बताने का मकसद ये है कि सिर्फ जहां ट्रांसपोर्टेशन में करोड़ों रुपए लग रहे हैं, छोटा ऐलान तो नहीं किया ना जेडीसी ने, जिसको ट्रक भरना है, आप गरीब हैं, आप समझते हैं कि उन लोगों को आपसे ज्यादा जरूरत है, अपने मोहल्ले अपनी बस्ती से 1-1 किलो आटा 1-1 किलो चावल जमा किया, ट्रक तैयार किया, उसके पैसे जेडीसी से लिए, रवाना करो। ये ऑपरेशन जारी है, जेडीसी सबको ओपन ऑफर कर रही है और इस वक्त ये दिखाने का मकसद ये कि जो इस वक्त नश्तर पार्क में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है उसकी आज से पैकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दाल चावल और आटा और ये तमाम चीजें जो हैं ये वाफिर मकदार में। अच्छा ये बोरे उसके ऊपर होंगे, ये बोरा है जिसके अंदर पैकिंग होगी, जेडीसी और शाहिद कुरैशी साहब का नाम है, अदील मलिक का नाम है और ये दिखा हुआ राशन ड्राइव। ये भी कहाँ उतरा है सामान, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोरे भी जो हैं ये लाखों की तादाद में छप छप के आना शुरू हो गए और ये सारा सामान जो राशन पैक होगा ये एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू यहाँ से एसएसयू या सिंध पुलिस के जो स्टाफ है मकसूद मेमन साहब जो डीआईजी हैं उनकी निगरानी में जाएगा, वहां से फिर ये आगे की तरफ जाएगा। देखें सप्लाई आना शुरू हो गई हैं इन बोरों की भी और ये इसी तरह से यहाँ आती रहेंगी, रात भर आएगी। और मैं आपको दिखा दूँ, देखें जैसे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये क्या है, ये लिखा हुआ नीचे, ये दाल है। इसी तरह हर चीज का अलग अलग बोर्ड लगा हुआ है, ये चावल है। ये मशीनें देखें बढ़ना शुरू हो गई हैं, ये मशीनें और भी लगेंगी लेकिन इसके साथ साथ ये मैनुअल भी काम होगा। बेटा हाँ ये खड़ा करना, देखिए बोर्ड गिर गया था हवा से, ये चावल है। इसी तरह से हर चीज का है, जैसे वो कपड़े हैं उधर, इसी तरह से ये पानी है, उधर वो तेल उतर रहा है, ये पैकेट बन के अब तैयारी शुरू हो रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये ऑयल आ गया यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ट्रकों के ट्रक ऑयल उतरेगा अभी और भी आने हैं ट्रक, ये तेल है और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो सामने आटा है, आटा आपको चारों तरफ आपको आटा नजर आएगा जिधर भी आप देखेंगे, ये जो लाइन चल रही है सब आटा है, जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ना ये सब आटा है, ये जिधर भी आप देखेंगे आपको सिर्फ आटा ही आटा नजर आएगा। और उसी तरह से देखिए जिन लोगों ने नए जूते चप्पल दिए हैं वो सब पैक हो रहे हैं, ये ऑयल खुल रहा है अब क्योंकि अब पैकिंग शुरू होने आ रही है। एसएसयू के नुमाइंदे जो हैं सिंध स्पेशल पुलिस जो है स्पेशल फोर्स यूनिट जो है उसके नुमाइंदे यहाँ पर रदाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं और इन सारे सामान को सेफ्टी के साथ पहुंचा रहे हैं। पूरे कराची में कोई भी अगर देख रहा है जो वॉलंटियरली अपनी खिदमत अंजाम देना चाहता है, आए नश्तर पार्क में, आए आप यहाँ काम करें और अपना हिस्सा डालें नेक कामों में। ये इजाफी सामान है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई अगर दाल चावल अलग से दे रहा है वो है और इसके अलावा सामने पानी है। और मैं सिर्फ देखने वालों से गुजारिश करूंगा, अब वॉलंटियर्स की हमें जरूरत है, अब तक हम मना कर रहे थे, आ जाएं नश्तर पार्क, सबका देखा हुआ है, जितना ज्यादा खुल के आ सकते हैं टाइम दे सकते हैं दें। ये मेडिसिन जो लोग दे रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और ये पानी आपके सामने, किस तरह के पहाड़ बने हुए थे और किस तरह से सारा सामान अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है, गद्दे तकिया पलंग हर चीज का अलग अलग निजाम है। मैं एक बार फिर देखने लगा तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ये सारे मनाजिर आप देख रहे हैं नश्तर पार्क से, मैं 2-3 दिन में पूरा नश्तर पार्क आपको भर के दिखा दूंगा और ये सारा सामान चला जाएगा, दोबारा उतरेगा, फिर बीच में 3 दिन के लिए हमें जगह खाली करनी है, एक प्रोग्राम है, फिर उसके बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा और इसी दरमियान मैच के फौरन बाद इंशाल्लाह अगर मैं नेशनल स्टेडियम मिल जाता है तो वहां से 50,000 बोरे अलग पैक उतरेंगे। ये सब आपकी सपोर्ट की बदौलत मुमकिन हो रहा है। आज रात में ये 2-3 बड़े खेमा सिटी और लग रहे हैं, 500-500 खेमों के, वो भी डिटेल आपको दिखा देंगे तस्वीरी सूरत में, जो जहां जहां राशन जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां इंटरनेट कहीं है वहां से तस्वीरें आ रही है, लोड कर जा रहे हैं। हमें आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो इस मुसीबत से अपने पाकिस्तानियों को निकालने के लिए जेडीसी जो अमली काम कर रही है, जिसमें बार बार
अब तो सर्टिफिकेट अवार्ड इंटरनेशनल सतह पे सराहा जा रहा है, दिखा भी रहे हैं आपको। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, बहुत शुक्रिया।